बारिश के वक्त इबादत से मुतल्लिक भी हमारी बहुत सारी इबादतें डिस्टर्ब होती हैं, तो हमें कंसेशन दिया गया है, सहूलत दी गई है बारिश की वजह से। मिसाल के तौर पर अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तो भाई नमाज में अगर मस्जिद में आदमी नहीं आता, घर पे जमात बना के या ऐसे ही पढ़ लेता है तो भी काफ़ी है। हालांकि नमाज क्या है, नमाज फ़र्ज़ है और भी जमात के साथ फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं कि घर पे आप बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बगैर किसी मजबूरी के आप घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको मस्जिद में आके पढ़ना है। लेकिन बारिश के वक्त ये रियायत दी गई है, ये रुख्सत है कि बारिश हो रही हो तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे नमाज पढ़ सकते हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा ऐलान करवाते थे, जब बारिश तेज़ होती थी तो मोजिन से कहते थे कह दो सल्लू फी रिहालिकुम, कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लो, कि आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रहे कि ये वाकई जो दिक्कत में है वो ऐसे नहीं, आजकल तो वो हालत नहीं जो पहले थे। पहले क्या था, ना कोई बिजली है, लाइट है, ना अंधेरा है, कच्ची सड़कें हैं, कोई आदमी घर से निकले तो बड़ी मुसीबत होती थी मस्जिद पहुँचना। और आज तो पक्की सड़कें हैं और बिल्डिंगें हैं, छतरी है, मतलब इतना सहूलत है। तो आज तो अगर वाकई कोई दिक्कत में आने का अंदेशा ना हो तो उसे मस्जिद आना चाहिए, भले बारिश हो। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं, हमारे पास छतरी नहीं है, मस्जिद गया तो भीग जाऊंगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की किसी को अंदेशा हो कि मैं मस्जिद तक पहुंचूंगा तो भीग जाऊंगा और तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर उसको आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पर अगर पढ़ ले नमाज तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल करेगा। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।